Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार मुख्तार अंसारी के हैं, जो कि मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक रह चुके हैं और मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार जो है 5 दफा विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं लड़े और अपने बड़े बेटे यानी कि अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतार दिया और अब्बास अंसारी भी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक बन गए। हालांकि वो कई सारे मामले में भगोड़ा चल रहे थे और ईडी ने गिरफ्तार कर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया है, यानी कि फिलहाल वो चित्रकूट जेल में बंद है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ साथ उनके जो और भी परिवार के लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसता है। जैसे कि मैं बात करूं अफजाल अंसारी को, तो अफजाल अंसारी भले ही सांसद हों लेकिन उन पर भी ईडी का शिकंजा लगातार कसते नजर आ रहा है। तो वहीं उनके छोटे बेटे उमर अंसारी से लेकर उनकी पत्नी यानी कि अफनसा अंसारी तक पर जो है लगातार कार्रवाई करने की बात जो है ईडी के द्वारा की जा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी के 3 भाइयों में सबसे ज्यादा अगर कोई साफ छवि का कोई भाई है तो वो शिबकतुल्ला अंसारी हैं, जो कि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कई दफा विधायक रह चुके हैं और उनके भी बेटे जो कि मनु अंसारी हैं, जिनका नाम शोहेब अंसारी के तौर पर जाना जाता है और वो जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 चुनाव हुआ था उसमें लड़े थे और वो भी जीत दर्ज कर लिए हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के सदस्य जैसे उमर अंसारी, अफनसा अंसारी, उनके विधायक बेटे यानी कि अब्बास अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रहा है। परिवार के सदस्य होने के नाते शोहेब अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं डरे धमके नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जनता के बीच जो एक प्रतिनिधि के तौर पर बेहतर काम करने की प्रयास कर रहे हैं और लोगों से ज्यादा जुड़ाव रख रहे हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देखेंगे तो आप बताइए कि जिस तरीके से उनके चाचा खास करके मुख्तार, उनके भाई चचेरे भाई कहा जाए तो अब्बास अंसारी, मनु अंसारी, अफनसा अंसारी, अफजाल अंसारी पर लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मनु अंसारी का जो काम है विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र में लगातार प्रतिनिधित्व करना, ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसे लोगों को ही लोग जो है वो प्यार देते हैं, जिताते हैं और शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिताया है जो अपने परिवार के दुखों को अलग कर लोगों के दुखों में शुमार हो रहा है और यही एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है। खैर, मनु अंसारी के काम से आप कितना सहमत हैं और इस तरीके की चीजें वो लगातार अपने क्षेत्र में करते नजर आ रहे हैं, उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। धन्यवाद।